సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. नमस्कार अनिल जी. नमस्कार श्रीशा. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं हर एम्प्लॉय को हर महीने पीएफ कट होता, मगर उसमें स्पेशली पेंशन फंड लेने का फायदा क्या है सर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा सवाल किया आपने. सच बता रहा हूँ, इसमें ना फायदे एक नहीं अनेकों फायदे हैं. वो क्या है सर? यस सी, जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि हर एम्प्लॉय जो कंपनी में अपनी नौकरी करता है, हर महीने अपने तनख्वाह पाने से पहले ही उसको अपनी पीएफ को कट हो जाता देनी पड़ती है. अपना हिस्सा कंपनी अपना हिस्सा देती है और एम्प्लॉय अपना शेयर देता है. सो ये दोनों का शेयर मिला करके ईपीएफ में आपको अमाउंट डिपॉजिट होता है. बट वहाँ पर अगर आप देखा जाएं तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब एग्जाम्पल अगर आप इंटरेस्ट के तौर पर सोचें या परसेंटेज के तौर पर सोचें, तो वहाँ पर आपको तकरीबन 8-9% या फिर 7-8% के बीच में आपको रेट ऑफ रिटर्न होता है. एडिशनल बेनिफिट अगर आपको चाहिए, एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. आज 10,000 रुपये अगर किसी को पेंशन फंड मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है हर महीना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. देर इज़ नो वैल्यू फॉर 10,000 रुपीज एवरी मंथ इफ़ यू गेट इट एज पेंशन. अगर आप आज की तारीख में एक 50,000 रुपया या 25,000 रुपया अगर आप पेंशन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज सम वैल्यू, कुछ वैल्यू है. वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप 20 या 30 साल की उम्र में जब आप नौकरी करते हो और अपने 60 साल की उम्र तक के लिए आप नौकरी करते ही जाते हो, गवर्नमेंट के अंदर आपका पीएफ अमाउंट डिडक्ट होता है. लेकिन जब आपके 60 साल पूरे होते हैं और आप रिटायर होते हो, तो आपके हाथ को अगर आप 60 साल के बाद में अगर आप 10,000 रुपया एज ए पेंशन ले रहे हो, तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है. देर इज नो वैल्यू टू 10,000 आफ्टर 60 ईयर्स. अगर आपने एक डिसिप्लिन तरीके से, आपने एक सही ढंग से, आपने एक वैल्यू एडिशन किया अगर आपने पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, सच बता रहा हूँ शिरीषा, यू विल बी अ करोड़पति. आप करोड़पति बन जाओगे 60 साल की उम्र में. वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. लेट मी शो यू. सी, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है etmoney.com. और etmoney कौन है? इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर सारे भारत में और फॉरेन कंट्रीज में भी जाता है, तो उन्हीं का ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है. तो मैं किसी, मतलब एरे गेरे या नथु खेरे जैसे वेबसाइट के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ. दिस इज अ वेरी ऑफिशियल और एक सीरियस वेबसाइट है जिसकी पूरी जेन्युइनिटी पर आप भरोसा कर सकते हो 100%. ठीक है, सो नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन माइंड. नाउ एनपीएस के सिस्टम के तहत, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर, आपको मिलेंगे करोड़ों रुपए जब आप 60 साल के हो जाओगे, अगर आप अपना वैल्यू एडिशन पेंशन फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो. वैल्यू एडिशन क्या है? हर महीने कितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? एग्जैक्टली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. लेट मी शो यू दैट. नाउ आपको तकरीबन 62,400 रुपये की आपको सेविंग्स होगी टैक्स के मामले में हर साल. और जो आप पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको मिलेगी पोर्टफोलियो की सारी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, चाहे वो इक्विटी हो जाए या डेट हो जाए. उसके साथ ही साथ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे पेंशन फंड में. वन इज अग्रेसिव, सेकेंड वन इज मॉडरेट, एंड थर्ड वन इज कंजर्वेटिव. इन तीनों का मतलब आपको आइडिया होगा. अग्रेसिव माने स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड को कहेंगे अग्रेसिव. मॉडरेट माने आधा स्टॉक मार्केट में और आधा डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बैलेंस्ड फंड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडरेट फंड. कंजर्वेटिव माने सिर्फ पेंशन फंड में ही इन्वेस्टमेंट करने वाले पेंशन फंड होते हैं, दैट इज अ कंजर्वेटिव. ओके, नाउ अगर आपको अर्न करने हैं टैक्स फ्री रिटर्न एट 60th एज विथ फ्लेक्सिबल विड्रॉवल प्लान, ये सारे के सारे डिटेल्स भी मैं आपको अभी बताता हूं. और ये आपको लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू गेट मंथली इनकम फॉर लाइफ. मतलब आप जब तक जिंदा रहोगे 60 साल के बाद, चाहे आप 70 इयर्स के हो जाओ, 80 इयर्स, 90, बाय गॉड्स ग्रेस इवन 100 इयर्स, अगर आप 100 साल के भी हो गए तो आपको तब तक भी आपको पेंशन मिलेगा. वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं. इसके अंदर मैं आपको जो मैंने बता रहा था, जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, टैक्स डिडक्शंस मिलेंगे, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80CCD
इन ब्रैकेट 1B ये सेक्शन के अंडर में आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक के आपको छूट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ रिबेट इन टैक्स रिबेट। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपने सवाल किया था, तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5,000 रुपया। सब लोग सोचेंगे बॉस 5,000 रुपीज इज बिग अमाउंट, मगर मैं आपको बताता हूं आफ्टर 5 ईयर्स या 10 साल के बाद में 5,000 रुपए की कोई वैल्यू है? देर इज नो वैल्यू ऑफ 5,000 बिकॉज मनी की वैल्यू दिन पर दिन घट रही है। अगर आप अभी से ही है अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद आपको एक 5 साल तक या 10 साल तक थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर उसके बाद इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, फर्ज कीजिए किसी एम्प्लॉय की एज 30 ईयर्स है और वो 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अग्रेसिव फंड में डाले हैं और अग्रेसिव फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया अगले 30 साल तक 18 लाख रुपया। 18 लाख से आपको मिलेंगे 2,60,00,000 रुपये और सारा का सारा आपका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगा 2,78,00,000 रुपये। तो इसमें आपको 2.78 करोड़ की आपको नेट बेनिफिट मिलेगी। नाउ अगर आप चाहें ये टोटल अमाउंट्स में से अगर आप सिर्फ 40% पर मंथ के हिसाब से अगर आप विड्रॉ करें एज अ पेंशन तो आपको मिलेंगे तकरीबन 61,152 रुपये, दैट इज 61,152 रुपीज आपको एवरी मंथ मिलेगा एज अ पेंशन अमाउंट। दिस इज अ वैल्यू एडेड फंड, आपको पीएफ से अलग सा कटिंग जो अमाउंट हुआ था वो 60th ईयर में आपको वहां से भी पेंशन फंड मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, मतलब तकरीबन आप हर महीना तकरीबन 80,000 रुपया यू टेक होम एज अ पेंशन। मतलब 60 साल की उम्र में आप किसी के ऊपर आप आधार नहीं होंगे, ना ही आप निर्भर होंगे, आप बनेंगे कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। दैट मींस आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली समवेयर अराउंड 61,000 to 80,000 रुपीज का आप सारा का सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, ऐसे एडिशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से सारा का सारा बेनिफिट एक एम्प्लॉय को ही मिलेगा। मैं तो कहता हूं आप अब तक वेट कर चुके हैं तो आप आगे से वेट मत करिए, गो इमीडिएटली टू etmoney.com चले जाइए और आप पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना आज से ही शुरू कर दीजिए। आपको 60 साल की उम्र में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अनिल जी, लोन्स के लिए और लोन्स का इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ मिलने के लिए कैसे आपको अप्रोच करना पड़ता है? हाँ, इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा श्रीशा, जितने भी प्रेक्षक जो हमारे सुमन टीवी देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी एक मास्टर क्लास के रूप में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इस 28 अप्रैल को, दैट इज़ ऑन द 28th of April, सवेरे 11 बजे से लेकर के आपको 4 बजे तक के ये स्पेशल मास्टर क्लास लिया जाएगा। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इस क्लास को आप एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम, चाहे आप घर में बैठकर या फिर अपने ऑफिस में बैठ करके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो। आपको जो भी आप लोन लेना चाहेंगे या लोन लेकर के अगर आप फंस चुके हैं, आपको एक पैसिव इनकम चाहिए, एक 100% गारंटीड रिटर्न स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लासेस चाहिए, तो आप ये सारे के सारे डिटेल्स आप एक क्लास में अटेंड करके ले सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज लगाइए, हमारी सारी टीम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। धन्यवाद जी, वेलकम। सुमन टीवी लो मी पर्सनल एंड बिजनेस प्रमोशंस कोसम किंदी नंबर की कांटेक्ट चेंडी।